कहते हैं भारतीय शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि वह पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट को ठीक से समझते नहीं हैं और उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, इसमें बहुत रिस्क होता है या इसमें पैसे सिर्फ किस्मत वालों का ही बनता है। लेकिन ऐसा वही लोग कहते हैं जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। और वहीं COVID-19 के बाद यंग लोगों में इसकी रुचि ज़्यादा दिखाई दी, क्योंकि उस समय सबके पास खाली समय था कुछ सीखने का, ऑनलाइन पैसा कमाने का, तो लोगों ने शेयर मार्केट की और अपनी रुचि दिखाई। कोविड से पहले इंडिया में लोगों को ये भी नहीं पता था कि शेयर मार्केट होती क्या है, और कोविड से पहले केवल 10% लोग इसमें इन्वेस्ट करते थे। और US में शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स की संख्या 50% से ज़्यादा है, क्योंकि भारत के लोगों को जानकारी कम है और भारत के लोगों को ये लगता है कि ये सट्टा बाजार है या कई लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। वॉरेन बफेट, जिन्हें किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, उन्होंने ये कहा था कि मैंने इन्वेस्टमेंट 13 साल से ही शुरू की थी और उन्हें लगता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट काफ़ी देर बाद शुरू की। आइए अब जानते हैं कि शेयर मार्केट होती क्या है और काम कैसे करती है। दोस्तों, शेयर मार्केट का मतलब है हिस्सेदारी बाजार, जिसमें शेयर का मतलब हिस्सेदारी और मार्केट का मतलब बाजार। जैसे हम मार्केट में जाकर सामान खरीदते हैं, वैसे ही हम शेयर मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदते हैं और बेचते हैं। इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं, ये आपके अपने बाजार की तरह ही होती है, या आप कह सकते हैं कि ये ऑक्शन मार्केट है। ऑक्शन मार्केट मतलब नीलामी बाजार, जहाँ कुछ यूनिक सामान की नीलामी की जाती है और खरीदने वाला अपनी बोली लगाकर सामान खरीदता है, और अगर उस सामान की वैल्यू ज़्यादा है तो जिस इंसान की बोली सबसे ज़्यादा होगी वह सामान उसका हो जाएगा। जैसे अंडे की मांग ठंड में ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम डिमांड कहते हैं, और ऐसे ही गर्मियों में या नवरात्रि में अंडे की कीमत सस्ती हो जाती है, क्योंकि इसकी मांग कोई नहीं करता और दुकानदार के पास इसका काफ़ी स्टॉक बच जाता है। मतलब डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस कम हो जाता है, और इसके अपोजिट डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल शेयर मार्केट काम करती है। जिन शेयरों की डिमांड ज़्यादा होती है उनकी कीमत में भी बढ़ोतरी होती है, और जिनकी डिमांड कम होती है, जिसे कोई नहीं लेना चाहता, उनकी कीमत भी गिर जाती है। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें। भारत में प्रमुख 2 एक्सचेंज हैं। एक्सचेंज मतलब आप एक दुकान से समझ सकते हैं, जहाँ भारत के कुल 5000 से ज़्यादा कंपनियों की शेयर की खरीदारी और बिक्री की लिस्ट होती है। इनमें से एक है BSE, जिसका पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा है NSE, जिसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स BSE में लिस्टेड कंपनियों की कीमत को देखता है, और निफ्टी NSE में लिस्टेड कंपनियों की कीमत को देखता है। सेंसेक्स में भारत की 30 बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं, और निफ्टी में भारत की 50 बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं। और पहले के ज़माने में, जब इंटरनेट इतनी नहीं थी, तो लोगों को शेयर खरीदने के लिए BSE NSE जाना पड़ता था। लेकिन आज सब प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, अब घर बैठे ही किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जैसे कई सारे बैंक्स ये प्रोवाइड करवाते हैं, और कुछ प्राइवेट ब्रोकर्स भी मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से शेयर हमें खरीदने चाहिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में 2 तरह की एनालिसिस होती हैं, पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उनकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, मैनेजमेंट चेक करते हैं, उनके प्रोडक्ट चेक करते हैं, और कंपनी के एनालिसिस को चेक करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के काम आती है। टेक्निकल एनालिसिस में आप कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर कई तरह के एनालिसिस होते हैं, जैसे कई सारे टूल्स लगाकर या डिमांड एंड सप्लाई जोन का अंदाज़ा लगाकर। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि कौन सी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप उन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो नामी गिरामी कंपनीज हैं। अब हम जानते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने जब पहली बार एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं था। उन्होंने उसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसके प्रोडक्ट्स वह खुद इस्तेमाल करते थे। जब उन्होंने शेयर खरीदा, तो अगले ही दिन कंपनी के शेयर प्राइस नीचे आ गए, और कम से कम 6 महीने तक उनको कोई मुनाफा नहीं दिख रहा था। ऐसे में वो डरने लगे और सोचने लगे, क्या मैंने कोई गलत कंपनी में शेयर तो नहीं खरीद लिया। तो करीब 10 महीने बाद कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर आया, तो उन्होंने अपने ही खरीदे हुए प्राइस पर बेच दिया,
कि चलो मुझे घाटा हो रहा था, इससे अच्छा मैं बिना घाटे के ही निकल जाता हूँ। लेकिन उसके बेचने के बाद ही अगले हफ्ते में उसी कंपनी का शेयर प्राइस 70% तक बढ़ गया और यह देखकर वॉरेन बफे बहुत दुखी हुए और उन्हें सीख मिली कि मार्केट हमेशा लालच और डर की परीक्षा लेती है। शेयर मार्केट उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सोचते हैं कि 1-2 महीने में उनका मुनाफा हो जाएगा। शेयर मार्केट आपके पेशेंस, इमोशंस की परीक्षा लेता है। शेयर बाजार में आप कोई जल्दबाजी ना करें, नहीं तो ये आपको भी ये सत्ता बाजार ही लगेगा। ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।